आपने केजीएफ के हीरो यश की माँ का साहस देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने रॉकी भैया को कितनी मुसीबतों से पाला और बड़ा किया। पर ब्लड मूवी की मॉम की कहानी सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी ही बॉडी का खून उसे पिलाया और आखिर उसने ऐसा किया क्यों, हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बंजर तालाब को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक पेड़ था जो कि सूख चुका था और उस तालाब के आसपास जंगली जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे अकाल पड़ चुका हो। फिर अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अभी अभी एक दूसरे घर में शिफ्ट हुई है जो कि घने जंगलों के बीचों बीच पड़ता है। फैमिली में 3 सदस्य हैं जिनका नाम जेस जो कि ओवन और टायलर की मॉम है और उनके पास एक फैमिली डॉग भी है। डॉग का नाम पिपिन होता है। जेस का अपने हस्बैंड पैट्रिक से डाइवोर्स हो चुका है जिससे उन्हें पैट्रिक का घर छोड़कर इस पुराने घर में आना पड़ा। ओवन बहुत शरारती है, वो एक ऊंचे लकड़ी के घर से घास के ढेर पर छलांग लगाता है जिसे देखकर जेस और टायलर ओवन पर गुस्सा होते हैं। फिर जेस ओवन को ऐसा दोबारा करने से मना करती है। इसके बाद जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो उनका डॉग घास के ढेर के पीछे किसी को देखता है पर कोई उस चीज को नोटिस नहीं करता। वेल हमने जो स्टार्टिंग में पेड़ और तालाब देखा था हम वो ओवन के रूम में दीवार पे लगी एक फोटो में भी देखते हैं। इसका मतलब वो तालाब और पेड़ कुछ समय पहले ठीक ही थे। फिर जेस ओवन को रूम में सुला के वहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी टायलर शायद उससे नाराज थी क्योंकि वो अपने डैड को भी मिस करती थी बट जेस अपने दोनों बच्चे से बहुत प्यार करती है इसलिए वो उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहती। इधर पिपिन फिर से किसी अनजान चीज को दरवाजे के बाहर देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेस टायलर और ओवन को उसके डैड पैट्रिक के घर छोड़ती है क्योंकि हफ्ते के एक दिन बच्चों को अपने डैड के साथ स्पेंड करना होता है। पैट्रिक ने दूसरी शादी भी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी है। फिर पैट्रिक जेस को एक लिफाफा देता है जो कि उसकी लॉयर की तरफ से था और उसे शाम को एक मीटिंग में भी आना है। जैस एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। उसके हॉस्पिटल में एक ओल्ड वुमन आती है जिसको कैंसर होता है और उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। इधर ओवन टायलर और उसका डॉग फिशिंग के लिए उसी तालाब के पास जाते हैं पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो तालाब सूख चुका है। वहाँ पर वो लोग जानवरों की डेड बॉडीज देखते हैं जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं। तभी पिपिन फिर किसी अजीब चीज को देखता है और तालाब की ओर भागता है जिसके पीछे ओवन भी उसे रोकने के लिए भागता है पर दोनों तालाब के कीचड़ में फंस जाते हैं लेकिन टायलर पिपिन और ओवन को उस कीचड़ से बाहर निकाल लेती है। इधर जेस फोन पर अपने लॉयर से बात कर रही होती है तभी वो तीनों पर कीचड़ लगा हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है। ओवन पिपिन की बहुत केयर करता है इसलिए वो सारी गलती अपनी ही बताता है। जेस बच्चों से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट मदर नहीं हूँ पर मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए दोबारा ऐसा मत करना, जिसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। तभी पिपिन फिर से किसी अजीब चीज को देखकर भौंकने लगता है। ओवन को भी बाहर कुछ दिखाई देता है। जेस जब दरवाजा खोलकर उस चीज को देखती है तो पिपिन उस चीज के पीछे भाग जाता है। ओवन पिपिन को रोकने की कोशिश करता है पर वो एक तार से उलझ जाता है। अब देर रात तक ओवन पिपिन का वेट करता है पर पिपिन नहीं आता। फिर वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने का डिसाइड करता है पर उसकी मॉम उसे जंगल में जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम उसे सुबह ढूंढेंगे पर ओवन को पिपिन अभी चाहिए था इसलिए वो अपनी मॉम को गुस्से में कहता है कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से डैड ने आपको छोड़ दिया। ओवन के मुंह से ये बात सुनकर जेस को बहुत बुरा लगता है। फिर इधर लॉयर्स की मीटिंग चल रही होती है पर तभी जेस और पैट्रिक के बीच में लड़ाई हो जाती है। शाम को जब जेस घर आती है तो उसे पता चलता है कि ओवन पिपिन को ढूंढने अकेला निकल गया है। फिर वो ओवन को ढूंढ कर घर ले आती है। अब रात में सभी डिनर कर रहे होते हैं पर तभी ओवन खिड़की से पिपिन को देखता है और दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है पर पिपिन कुछ अलग ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शैतान हो। फिर अचानक से वो ओवन पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को बुरी तरह से काट लेता है। ये देखकर जेस पिपिन के सर पर बाउल मारती है जिससे वो मर जाता है पर ओवन की गर्दन से बहुत खून बह रहा होता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं जिसमें जेस जॉब करती है। उसके डैड पैट्रिक को लगता है कि इसकी जिम्मेदार जेस है क्योंकि उसने उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा। फिर अगले दिन ओवन को होश आ जाता है और वो पहले से काफी बेहतर था। जेस ओवन को खाना खिला रही होती है कि तभी डॉक्टर उसी ओल्ड वुमन हेलन का चेकअप करने के लिए बोलती है जिसे कैंसर है। फिर जब वो उसका चेकअप कर रही होती है तो हेलन बताती है कि उसके कोई बच्चे नहीं है, इसका मतलब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। फिर तभी माइक में अनाउंस होता है कि ओवन की हालत फिर से बिगड़ गई है। जेस जब जाकर उसे देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी आंखें पलट गई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। फिर डॉक्टर बताते हैं कि शायद ये रेबीज या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, हमें इसके टेस्ट करने होंगे। अब रात में हम देखते हैं कि ओवन को फिर से होश आ जाता है और वो बॉटल में भरे हुए ब्लड को पीने लगता है। ये देखकर जेस
उससे वो बॉटल छीन लेती है, जिसके बाद डॉक्टर आती है और कहती है कि ओवन की हालत पहले से बहुत अच्छी है। इसका मतलब ब्लड पीने के बाद उसकी हालत में सुधार आया, ये बात अब जेस जान चुकी थी। नेक्स्ट सीन में जेस ओवन के लिए खाना लाती है, पर वो जेस से ब्लड लाने के लिए बोलता है, पर जेस अभी के लिए मना कर देती है। अब रात में फिर से ओवन की तबीयत बिगड़ने लगती है। जेस समझ जाती है कि उसे फिर से ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में अपना कार्ड यूज करके एक ब्लड चुरा लेती है और उसे डैमेज दिखाकर ब्लड को ओवन को लाकर पिला देती है, जिसको पीने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ओवन को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था, इसलिए वो और ब्लड डैमेज दिखाकर घर ले आती है। अब वो ओवन को छुपके छुपके ब्लड पिलाती थी, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ दिनों बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड पीना बंद कर देगा। नेक्स्ट सीन में वो पिपिन को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर जेस ऑनलाइन एक डॉक्टर को ये सारी बातें बताती है। डॉक्टर कहता है कि मानो ये तो ऐसा है जैसे कोई खून पीने वाला शैतान हो, तुम्हें किसी को बताकर इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। बट जेस जानती थी अगर उसने किसी को ये बात बताई तो वो ओवन को मार भी सकते हैं। फिर जेस देखती है कि ओवन फ्रिज से ब्लड निकालकर सब पी जाता है। ये देखकर जेस परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास और ब्लड नहीं था। उसका हॉस्पिटल कार्ड भी अब ब्लॉक हो चुका था, इसलिए वो और ब्लड हॉस्पिटल से नहीं ला सकती थी। फिर वो पेट शॉप से रैबिट लाती है और उसका ब्लड ओवन को पिलाती है। हम देख सकते हैं कि उसने काफी रैबिट को मारकर उनका ब्लड जार में भर रही थी। अब जेस ने ओवन को रैबिट का पूरा खून पिला दिया था, लेकिन तभी ओवन को फिर से दौरा पड़ता है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए अपना ही हाथ काट कर उसे अपना खून पिला देती है, जिसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और टायलर के साथ खेलने लगता है। इधर जेस अपना ही खून निकाल कर छोटी छोटी शीशियों में भर रही थी। फिर अगले दिन उनके डैड दोनों को अपने साथ ले जा लेते हैं। ब्लड निकालने की वजह से जेस बहुत वीक पड़ गई थी, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में हेलेन की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसका कैंसर बढ़ता ही जा रहा था और वो मरने की भीख मांग रही थी। फिर जेस सोचती है कि वो उसे अपने साथ ले जाकर उसका ब्लड निकाल सकती है, इसलिए वो उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले आती है, पर उसने उसे रास्ते में ही बेहोश कर दिया था। जब हेलेन को होश आता है तो वो कुर्सी में बंधी होती है। जेस उसे सारी प्रॉब्लम बताती है, पर हेलेन अपनी बची हुई जिंदगी चैन से जीना चाहती थी। शरीर से ब्लड निकलता देख वो रोने लगती है। फिर जब जेस ऊपर आती है तो दरवाजे के पीछे टायलर खड़ी होती है। वो उससे नीचे क्या है इसके बारे में पूछती है, पर जेस कहती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो बस वहाँ की सफाई कर रही थी और उस दरवाजे में ताला लगा देती है। अगले सीन में टायलर दरवाजे के पीछे नीचे बेसमेंट में क्या है ये जानने के लिए एक खिड़की से नीचे चली जाती है और वो वहाँ पर हेलेन को देखती है। वो उसके मुँह से पट्टी हटाती है, क्योंकि टायलर उसे नीचे देख कर घबरा गई थी। हेलेन उससे हेल्प मांगती है कि तभी जेस नीचे आ जाती है। मुँह की पट्टी खुली देख कर जेस समझ जाती है कि टायलर नीचे आ गई है। फिर जेस टायलर को सब कुछ बता देती है कि उसके भाई को खून पीने की बीमारी हो चुकी है। अब वो अपने ब्रदर की कंडीशन देखकर मॉम और ओवन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों डैड के साथ घूमने चले जाते हैं और जेस टायलर से ओवन का ख्याल रखने के लिए बोलती है। इधर हेलेन जेस को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसके हाथ में कैंची घोप देती है, लेकिन जेस उसके सर पर जार मारकर उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी हेलेन की पूछताछ करने के लिए उसके घर पुलिस आ जाती है और कहती है कि हमने हॉस्पिटल के कैमरे में हेलेन को आपकी कार में बैठते हुए देखा था। बट जेस बताती है कि उसने उसे सिर्फ ड्रॉप किया था और इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। पुलिस उसकी ये बात मानकर वहाँ से चली जाती है। अब ओवन का बर्ताव बदलता जा रहा था। इधर हेलेन खुद को छुड़ा लेती है और दरवाजा तोड़कर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी ये तीनों घर आ जाते हैं और देखते हैं कि हेलेन दरवाजा तोड़कर भाग चुकी है। तभी ओवन उसे पेड़ के पीछे खड़ा देख लेता है। ये देखकर हेलेन वहाँ से भागने लगती है, जिससे वो तार में फंसकर मर जाती है और ओवन उसका खून पी रहा होता है। अब उसका बर्ताव एकदम जंगलियों वाला हो चुका था। ये देखकर जेस बहुत घबरा जाती है। अब टायलर को भी अपने भाई से बहुत डर लगने लगा था। टायलर अगले दिन इन सब का राज जानने के लिए उसी अजीब पेड़ के पास पहुंचती है और उसे पेड़ के होल में कुछ भयानक दिखाई देता है। इधर जेस अपने खून से ओवन की भूख मिटा रही थी। अगले सीन में पैट्रिक कुछ ऑफिसर को लेके जेस के घर आता है, क्योंकि कई दिनों से टायलर और ओवन स्कूल अटेंड नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता है कि जेस उनका ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए पैट्रिक टायलर और ओवन को अपने साथ घर ले जाने लगता है। जाने से पहले जेस टायलर को खून की बॉटल देती है, पर टायलर कहती है इससे वो ठीक नहीं,
बल्कि और भी बुरा होता जा रहा है। और मैंने लेक में कुछ भयानक देखा जिससे पिपिन इन्फेक्टेड हुआ और फिर ओवेन। पर जैस बहुत परेशान थी इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर वो अपने डैड के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ओवन की प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी छोटी बहन को मारने ही वाला था, पर टायलर उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ बाहर ले जा लेती है। इधर पैट्रिक को लगता है कि जैस दोनों को अपने साथ वापस घर ले आई, पर उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि दोनों कहां पर हैं। फिर वो दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। इधर टायलर ओवन को उसी तालाब के पास ले जा रही थी जहां उसने उस अजीब चीज को देखा था। बट अब ओवन ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था। वो अब अपनी बहन टायलर के खून का प्यासा बन चुका था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है और काटने ही वाला होता है। पर जैस सही समय पर आकर उसे बचा लेती है। अब ओवन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसका उसकी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था वो अब मॉन्स्टर में बदल चुका है। अब ना चाहते हुए भी वो ओवन को अपने हाथों से उस कीचड़ में दबा कर मार डालती है। उसके मरने के बाद टायलर और जैस बहुत रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ओवन को दफना दिया जाता है और टायलर को उसके डैड के हवाले कर दिया गया था और कभी कभार ही जैस से मिलने दिया जाता था। इसके बाद जैस उस पूरे सूखे पेड़ में आग लगा देती है और वो पेड़ जलकर खाक हो जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। पर लास्ट में हम ये भी देखते हैं कि जैस एक डॉग और पालती है जो पिपिन की तरह किसी चीज को देखकर जंगल में भाग जाता है, जिससे जैस को लगता है कि वो जीव अब भी जिंदा है। वैसे इस मूवी में उस अजीब चीज को दिखाया नहीं गया, क्या पता शायद नेक्स्ट मूवी में उस अजीब जीव को दिखा दिया जाए। वेल, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।